अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। गाइस तो ये आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इज़ एमपी बोर्ड की बुक का, एमपी बोर्ड की जो बुक है हायर उर्दू, जैसे कि आप देख रहे हैं भाषा उर्दू विशिष्ट जो हायर उर्दू है उसका चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग समझने जा रहे हैं। बुक का नाम है गोहरे अदब, 10th क्लास की भाषा उर्दू विशिष्ट है। तो जो इसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हमद यारब नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी की लिखी हुई है, ये नाम क्या है, हमद है, यह हमद है यारब नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी की लिखी हुई है। अब ये क्या है हमारे सामने, ये है नवाब मिर्ज़ा खान दाग दहलवी की समानियात। समानियात क्या होती है, समानियात वो होती है जिसमें कि किसी भी शायर के, किसी भी इंसान की ज़िंदगी के बारे में बयान किया है, जिसे हिंदी में हम जीवनी भी कह सकते हैं, किसी इंसान के जीवन पर लिखी हुई कुछ भी। तो ये जो है इसने क्या है, दाग की पैदाई दिल्ली में हुई, वो अभी नौ मृत के वालिद लोहार के नवाब शमसुद्दीन अहमद खां का इंतकाल हो गया। तो ये इनके बारे में पूरा लिखा है, इनका बायोडाटा जिसे हम कह सकते हैं किसी इंसान का बायोडाटा। तो और जो हमद जो हम पढ़ेंगे वो इन्होंने लिखी है, और ये इनके बारे में पूरी जानकारी लिखी कि वो कैसे शायर थे कैसे नहीं, तो हम वो बाद में करेंगे। तो ये जो हम पहले समझ जाएँ ये है सबक नंबर 1, आप देख सकते हैं ये क्या है, सबक नंबर 1 है हमद। अब हमद क्या होती है, हमद वो होती है, ये भी याद रखिए कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है पेपरों में कि हमद क्या है। हमद वो होती है जिसमें कि खुदा की तारीफ बयान की जाए, वो हमद कहलाती है। आप ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि हमद क्या है, हमद वो है जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जाए। और हमद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, हमद क्या है, एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं जिसमें कि खुदा की तारीफ बयान की जाए। और जहाँ हम आज पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 1 है हमद। तो अब इसमें जो शायर हैं वो क्या कह रहे हैं कि यार अब है बख्श ना बंदे को काम तेरा, महरूम रहना चाहे कल ये गुलाम तेरा। अब इससे हम क्या समझें कि यारब शायर जो है वो किसे कह रहा है, यारब यानी कि ए खुदा है बख्श देना, बख्श देना यानी किसी को माफ़ कर देना, बख्श देना किसी को माफ़ कर देना, बख्श देना। तो शायर क्या कह रहे हैं खुदा से, यारब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, यानी कि बेशक बंदे कौन है, गुनाहगार हैं बंदे, क्या हैं गुनाह करते हैं, लेकिन उनको बख्श देना क्या है, तेरा ये काम है, क्योंकि वो एक तेरी ज़ात है जिससे कि बंदे उम्मीद लगाए रहते हैं कि बेशक अल्लाह ही है जिसकी ज़ात माफ़ कर देने वाली है अपने बंदों को। तो इसलिए इसमें शायर ये कह रहा है यारब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, यानी कि बेशक बंदे जो हैं वो क्या हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन उनको बख्श देना एक तेरी ज़ात है जो अपने बंदों को बख्श सकती है। फिर सेकंड क्या, महरूम रह ना जाए कल ये गुलाम तेरा। अब इस समय क्या समझ में आ रहा है कि ए अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बख्शे गए बंदों में मैं महरूम रह जाऊँ, मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि तू लोगों को बख्श दे, अपने बंदों को बख्श दे और मैं महरूम रह जाऊँ, ऐसा नहीं हो। तो इसमें क्या कहना चाहे कि महरूम रह ना जाए कल ये गुलाम तेरा, यानी कि जो ये गुलाम भी सो कह रहा शायर, अब ये जो इसमें गुलाम पर चूज़ करा वो किसके लिए किया है, शायर ने अपने आप के लिए किया है कि यार अब कहीं ऐसा ना हो कि तू सबको बख्श दे और तेरा ये एक जो गुलाम है यानी कि तेरा ये जो बंदा है वो बिना बख्शा रह जाए। तो यार अब है बख्श देना बंदे को काम तो, यानी कि बेशक बंदा एक खुदा बंदा क्या है, गुनाहगार है, लेकिन उसको बख्श देना तेरा काम है, क्योंकि एक तेरी ज़ात है जो अपने बंदों को बख्श देती है, और महरूम रहना चाहे कल ये गुलाम तेरा, और कहीं ऐसा ना हो एक खुदा कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बख्शे गए बंदों में मैं महरूम रह जाऊँ और मेरी मगफरत ना होने पाए। अब सेकेंड क्या है, जब तक है दिल बगल में हरदम हो याद तेरी, जब तक जुबां हो मुंह में जारी हो नाम तेरा। तो अब ये सेकंड क्या है, जब तक है दिल बगल में, यानी कि समय के सवाल में आ रहा है कि शायर क्या कहना चाह रहा है इससे कि ए अल्लाह मेरी तुझसे ये दुआ है कि जब तक भी मैं जिंदा रहूं मेरे दिल में तेरी याद बाकी रहे, जब तक भी मैं जिंदा हूँ, जब तक है दिल बगल में मतलब जब तक भी मैं जिंदा हूँ मेरे दिल में तेरी ही याद बाकी रहे। इससे क्या मतलब है कि हमेशा तेरी इबादत में मशगूल रहूँ और मेरी ज़िंदगी का हर एक लम्हा तेरी याद में गुजरे, और कोई सा भी लम्हा ऐसा ना हो जो तेरी याद के बगैर गुजरे, और जब जब तक जुमा हूँ मैं
यानी कि जब तक मेरे मुंह में ज़ुबान है जब तक भी मैं ज़िंदा हूँ। इससे भी मैं कैसा मारा कि जब तक मेरे मुंह में ज़ुबान है नहीं, जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ जारी हूँ नाम तेरा, उस ज़ुबान से मेरे उस मुंह से उस ज़ुबान से तेरी ही याद तेरी ही तेरा ही जिक्र निकले, जारी हूँ नाम तेरा यानी कि तेरा ही जिक्र निकले, मेरी उस ज़ुबान से तेरा ही जिक्र निकले। ठीक है, आयत के साथ में जब तक ये दिल बगल में हर दम हो याद तेरी, इसी के साथ में आ रहा है कि जब तक भी मैं ज़िंदा हूँ मेरे दिल में तेरी याद बाकी है, और जब तक भी मैं ज़िंदा हूँ जब तक ज़ुबान हूँ मुँह में यानी कि जब तक भी मैं ज़िंदा हूँ मेरी उस ज़ुबान से तेरा ही जिक्र निकले। हे तू ही देने वाला पस्ती से दे बुलंदी। अब ये जो दो वर्ड्स हैं पस्ती और बुलंदी, पस्ती मीन्स क्या होता है, कम हैसियत को भी बुलंदी, एक तेरी ही ज़ात है जो अदना को भी आला कर दे, यानी कि जो कम हैसियत लोग हैं उनको भी वो बुलंदी दे दे, एक तेरी ही ज़ात है जो कि पस्ती से बुलंदी दे सकता है, तू जिसको चाहे इज्जत दे तू जिसको चाहे ज़िल्लत दे, एक तेरे ही हाथ में असफल मुकाम पर मेरा आला मुकाम तेरा। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अल्लाह मैं तो तेरा नहायत ही छोटा और खाकसार बंदा हूँ, मतलब मैं जो हूँ क्या हूँ, एक छोटा हूँ और खाकसार बंदों में से हूँ, मेरा सबसे मुकाम मेरा जो है एक असफल मुकाम मतलब मेरा एक नीचा मुकाम है, और जो सबसे बुलंद मुकाम है आला मुकाम, आला मीन्स होता है बड़ा बुलंद, तो जो आला मुकाम है वो किसका है, सिर्फ तेरा है। हे तू देने वाला पस्ती से दे बुलंदी, यानी एक तेरी ज़ात है जो जिसको चाहे इज्जत दे जिसको चाहे ज़िल्लत दे, असफल मुकाम मेरे यानी कि मेरा जो मुकाम है वो तेरा के सबसे कम था सबसे नीचा है, और सबसे आला मुकाम किसका है, तेरी ज़ात है जिसका कि सबसे आला मुकाम है। अब नेक्स्ट लाइन है जो वो बे जगो है बे शुबा ज़ात तेरी, बाहिद अहद समद है अल्लाह नाम तेरा। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि बे जो वो बे जगो है कि तो बे चू मीन्स इसका मीनिंग भी यहाँ पे दिया हुआ, बे चू मीन्स बगैर किसी उज्र के, और बे जगो मीन्स ये इसका मीनिंग यहाँ दिया हुआ है बे मसले यानी कि लाजवाब, बे जो बे जगो है बे शुबा ज़ात तेरी। अब इसमें क्या है, इसमें खुदा ताला के जो सिफाती नाम है उनका भी इस्तेमाल किया है, उनके सिफाती नाम का भी इसमें जिक्र किया है। इसमें शायर के कह रहा है कि ये बात अलग है तू हमें दिखाई नहीं देता, इसमें किसी शायर कहना चाहता है कि ये बात अलग है कि तू हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बाद भी हमारा यकीन है वो तेरे ऊपर सबसे ज़्यादा है, तू हमें दिखाई नहीं देता, बेचू यानी कि किसी बिना किसी उज्र के तू हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो यकीन है तेरे ऊपर बिना किसी उज्र के बिना तो हमें दिखाई नहीं देता। एक होते ना कि हम किसी चीज़ को देखते हैं उसको समझते लेकिन हमें खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा ईमान है वो अल्लाह ताला पर बेतहाशा का बढ़ा हुआ है, बेहद हम हमारे खुदा पर यकीन रखते हैं, और बेचबा यानी कि बेमसले बेशुबा ज़ात तेरी, यानी कि तेरी जो ज़ात है वो बेशुबा यानी कि उसमें कोई शक नहीं है तेरी ज़ात में कि तू है, और हम उस पर यकीन रखते हैं। अब बाहिद मीन्स होता है एक, अहद मीन्स भी एक, और समद मीन्स क्या है, बेनियाज। अहद मीन्स क्या है, इसमें मीनिंग दिया हुआ एक, और वाहिद मीन्स भी क्या होता है एक है, और अहद है और समद, समद मीन्स होता है बेनियाज यानी कि तू बेनियाज है जो किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह तेरा नाम तेरा। अब इसमें शायर ने खुदा के सिफाती नाम का जिक्र किया है कि बेशक तेरी ही ज़ात है, वाहिद एक अकेली है, उसके अलावा कोई नहीं है दुनिया में, एक तेरी ही ज़ात है जो इबादत के लायक है। अब ये हो गया, इसके बाद है महरूम क्यों रहूँ मैं जी भर के क्यों ना लूँ, मैं देता है रिस्क सबको है फैज़ आम तेरा। अब इससे हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है, इसमें शायर ये कहना चाह रहा है महरूम क्यों रहूँ मैं जी भर के क्यों ना लूँ, बेशक मेरा जो खुदा है वो बेतहाशा लोगों को देने वाला है, उसके पास ख़जाने हैं गैब के, तो उसमें क्या शायर कहना चाह रहा है कि तमाम मखलूक को वही रिस्क देने वाला है, कौन देने वाला है, बेशक पूरी मखलूक को खुदा ही रिस्क देने वाला है, अपनी सारी मखलूक को वही रिस्क देता है, उसके पास लामहदूद ख़जाने हैं यानी कि बेतहाशा उसके पास ख़जाने हैं और वो देने वाला है, तो मैं महरूम क्यों रहूँ मैं जी भर के क्यों ना लूँ, देता है रिस्क सबको है फैज़े
आम तेरा। फैज़ आम मीन्स आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला। फैज़ आम मीन्स आम लोगों को, फैज़ मीन्स होता है फ़ायदा पहुंचाना, फैज़ मीन्स पास, आम मीन्स आम लोग, तो फैज़ आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला, देता है रिस्क सबको, है फैज़ आम तेरा, यानी कि बेशक तेरे पास लामहदूद ख़जाने हैं, गैब के ख़जाने हैं, तो और बेशक तेरी ज़्यादा जब अपने मखलूक को रिस्क देने वाली, तो मैं तुझसे क्यों ना लूँ, मैं तुझसे जी भर के क्यों ना लूँ, देता है रिस्क सबको, है फैज़ आम तेरा, बेशक तेरी, शायर इसमें ये कहता है कि इतने कुदरत वाले और ताकत वाले रज़ाक से मैं क्यों ना मांगूँ, मैं क्यों उसकी सखाफत से महरूम रहूँ, ए अल्लाह तू मुझे भी भरपूर रिस्क अता फरमा जैसे तू आम लोगों को पहुँचाता है, तू मुझे भी क्या कर, मुझे भी तू रिस्क अता फरमा जैसे कि तू आम लोगों को पहुँचाता है, ऐसे ही मुझे भी रिस्क पहुँचा। अब ये क्या है लास्ट शेर जिसमें कि शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है, हर शायर जो शायर होते हैं वो लास्ट पर शेर में अपना तखल्लुस ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो ये दाग भी ना होगा, ये दाग भी ना होगा तेरे सिवा किसी का, कोनेन में है जो कुछ वो है तमाम तेरा। अब कोनेन मीन्स क्या है इसके अंदर, दोनों जहाँ, कोनेन मीन्स दोनों जहाँ। अब ये दाग भी ना होगा, ये दाग मीन्स जो शायर है उन्होंने अपना नाम यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो कह रहे हैं कि ए अल्लाह तेरा कमतर और अदना बंदा जिसको लोग दाग के नाम से जानते हैं, यानी कि जो तेरा बंदा है दाग, जिस जो तेरा एक बंदा है जिसको कि लोग दाग के नाम से जानते हैं, वो तेरे सिवा किसी का नहीं है, क्योंकि वो तेरे इश्क में डूबा हुआ है। वो क्या कह रहा है, शायर ये कह रहा है कि मुझे तुझसे सच्ची मोहब्बत है क्योंकि तू ही वाहिद ला शरीक है, तेरे सिवा कोई ज़ात नहीं है, तू ही एक है जो हर चीज़ से पाक है। तो ये दाग भी ना होगा तेरे सिवा किसी का, तो इसमें शायर कह रहा है कि मेरी ज़ात जिसको कि लोग दाग के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ तुझसे मोहब्बत करता है, तेरे इश्क में डूबा हुआ है, वो तुझसे मोहब्बत करता है और सच्ची मोहब्बत करता है क्योंकि तेरी ही ज़ात है जो इबादत के लायक है और तेरे अलावा किसी की ज़ात नहीं। और कोनेन में है जो कुछ भी वो है तमाम तेरा, वो इस दुनिया में, इस जहान में, दोनों जहानों में जो कुछ भी है वो सब किसका है, तेरा ही है। तो ये होगा इस इन पूरे शेर की तशरीह का, इस तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके इसकी पूरी तशरीह और जो क्वेश्चन आंसर्स इसके हमारे रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। शुक्रिया गाइस।